हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लोक्यूड। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी ओमेगल में नेटवर्क कनेक्टिविटी एरर आ रही है कि लिखा रहा है टेक्निकल एरर, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। आज की वीडियो में आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर करूंगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो स्टेप्स बताऊँगा उनको फॉलो करें, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सबसे पहले हमें अपने डिवाइस की सेटिंग है इसको ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन देखेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन है, इसको ढूंढ लेना है और इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे देख सकते हो सिम ऑप्शन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने डिवाइस को एक बार फ्लाइट मोड ऑन कर देना है और 2 मिनट बाद इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जिस सिम में हमने रिचार्ज करवाया नेट डलवाया उस पर क्लिक करना है। मैंने एयरटेल में डलवाया है। उसके बाद एसेस पॉइंट नेम्स वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे बॉटम में लिखा होगा रीसेट का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको रीसेट कर दीजिएगा। रीसेट करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद प्रिफर नेटवर्क टाइप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 4G या फिर प्रिफर लाइट का ऑप्शन देखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। तो फिलहाल मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, और नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे एक और ऑप्शन देखेगा मोबाइल नेटवर्क का, तो हमें इसको ऑटोमेटिकली पर सेलेक्ट कर लेना है। और ऑटोमेटिकल पर सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन देखेगा, तो कौन सा ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे यूज वोल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है। और एक ऑप्शन और देखेगा मेल मेक कॉल्स यूजिंग वाईफाई, इसको भी ऑन कर देना है। ये सब करने के बाद एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखेगा, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे डाटा रोमिंग का ऑप्शन देखेगा, इसको इनेबल कर दीजिएगा। तो डाटा रोमिंग को इनेबल करने के बाद यहाँ पे इसको ऑलवेज कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आपने डाटा रोमिंग ऑन नहीं की होती है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सब करने के बाद हमें एक और लास्ट स्टेप है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। सेटिंग में जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कनेक्शन एंड शेयरिंग का, इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का, इसको रीसेट कर दीजिएगा। इसको रीसेट करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।